नमस्ते एवरीवन, आई एम स्नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं DIY अनियन हेयर ऑयल, यानी कि ये जो है अनियन हेयर ऑयल मैंने घर पे बनाया है। एंड अनियन का कितना सारे बेनिफिट होता है हेयर के लिए ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो कि ये हेयर ऑयल से कितना ज्यादा प्रिवेंट करता है, हेयर को कितना ज्यादा स्ट्रेंथ करता है। बहुत सारे अनियन हेयर ऑयल अवेलेबल है, मैंने खुद ब्राउन स्किन साइंस का अनियन हेयर ऑयल काफी टाइम तक यूज किया था और मैंने उसका कोई रिव्यू भी बनाया है, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगी। मार्केट में जो अनियन हेयर ऑयल आते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, पुट टू मच वेट ऑन योर पॉकेट। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार मैं घर पे ट्राई करती हूँ अनियन हेयर ऑयल बनाना। तो ये अनियन हेयर ऑयल मैंने बनाया है और इसका फुल वीडियो मैंने आप लोग के लिए भी शूट किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 4 अनियंस ले लिए हैं और उनकी स्किन पिल करके इस तरीके से हमें छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। उसके बाद हमें इसे ग्राइंडर जार में डाल के ग्राइंड कर लेना है। एंड याद रखें हमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना है, हमें नॉर्मली जो अनियन है सिर्फ उसे ही ग्राइंड करना है, पानी ऐड ना करें। और ये जो हमारा पेस्ट बनके बिल्कुल रेडी है ना, उसके बाद हमें एक कढ़ाई हीट करनी है और उसमें हमारा जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है। ट्राई करें कि आप स्टील का बर्तन इस काम के लिए यूज़ ना करें। तो ये जो जैसे कढ़ाई होती है जर्मन की शायद, तो ये मैंने यूज़ किया है इसके लिए। जो मैंने पेस्ट है इसमें अभी ऑयल वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है, नॉर्मली कढ़ाई को हीट किया है और उसके बाद मैंने जो पेस्ट था अनियन का उसे इसमें ऐड कर दिया है। इसे हमें कंटिन्यूसली सॉटे करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस कंटिन्यूसली हमें इसे स्पून की हेल्प से इसे मिक्स करते जाना है, चलाते जाना है। नाउ आप बॉटल वाला पैराशूट ऑयल जो होता है कोकोनट ऑयल वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका जो सैशे आता है 10-10 रुपीज़ का वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको दिखाने के लिए बॉटल वाला यूज़ किया हुआ है और मैं इसमें अभी जो सैशे है ऐसे यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। तो आप 2-3 सैशे ले लीजिए 10-10 रुपीज़ वाले, तो 30 रुपीज़ में आपका काम हो जाएगा। तो इसे अच्छे से सॉटे करना है और उसके बाद यहाँ पे मैंने मेथी के जो दाने होते हैं वो 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसके साथ जो कलौंजी होती है काली वाली वो भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं ऐड किया है। और ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ अनियन का ही यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यूसली इस स्टेज तक, मतलब आप डरिएगा मत, ये पूरा इस स्टेज तक हमें चाहिए ऐसे लेके आना है इसे कुक करते हुए। और उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 सैशे जो रखा था मेरे पास पैराशूट ऑयल का, जो का हमारा कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल का ही यूज़ करना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे मैंने 3 सैशे कोकोनट ऑयल के 10-10 रुपीज़ वाले ऐड कर दिए हैं। देखिए प्याज को एकदम अच्छे से भूनना है, पूरा उसका कलर इस तरीके से हो जाना चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और कंटिन्यूसली स्पून भी चलाते ही रहना पड़ेगा, वरना वो पूरा नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा। तो देखिए मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। नाउ कंटिन्यूसली मैं इसको मिक्स करते रहूँगी स्पून की हेल्प से। नाउ इस स्टेज में टोटल कम से कम 10 से 15 मिनट बाद ऑयल ऐड करने के, और उसके बाद मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये कढ़ाई को मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसे पूरा हमें ठंडा कर लेना है अच्छे से, कम से कम इट विल टेक 5-10 मिनट्स टू गेट कूल डाउन, अच्छे से ठंडा हो जाएगा। आप चाहे तो फैन के नीचे भी रख सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ठंडा हो चुका है, इट्स कूलिंग डाउन कम्प्लीटली। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है पूरा, उसके बाद हमें क्या करना है कि एक कटोरी लेनी है, कोई भी कटोरी आप ले सकते हो। और हमें चाहिए एक स्ट्रेनर, यानी कि ये जो छन्नी होती है ना हमारे घर रेगुलर, वो छन्नी मैंने यूज़ किया है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आपके पास जो मसलिन का क्लॉथ होता है, जो चीज़ क्लॉथ होता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मेरे पास नहीं था तो मैंने ये यूज़ किया है। और इस तरीके से हमें देखिए ऐसे छान लेना है, तो जो प्योर ऑयल है, जो मेथी सीड्स और अनियन का जो ऑयल है, वो पूरा सेपरेट हो जाएगा और कटोरी में देखिए जो ऑयल है वो पूरा रह जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा ऑयल जो है वो निकाल लिया है, वो चीज क्लॉथ से और ज्यादा बेटर होगा। तो देखिए ऑयल निकाल लिया है ना, इसे कोई भी कंटेनर हो, चाहे प्लास्टिक का हो चाहे ग्लास का हो, कोई भी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। मेरे पास ये जो बॉटल आती है मार्केट में भी आपको 10-15 रुपीज़ में ये बॉटल्स मिल जाएगी,
तो ये बॉटल डीमार्ट वगैरह में भी अवेलेबल रहती है। तो ये बॉटल में मैंने ऑयल फिल कर दिया है और इसे आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं फॉर मैनी मंथ्स, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए और यूज़ कर सकते हैं। देखा आपने कितना सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हमारा अनियन हेयर ऑयल घर पे ही बन गया है। अब आपको 500-600 रुपए देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, 50 रुपीज़ के अंडर आपका ये पूरा काम हो जाएगा। देखिए ये ऑयल रेडी है, इसे हमें लेना है अपने पाम में, अच्छे से रब कर लीजिए इसे। ना उसके बाद मेक श्योर कि आप अपने जो स्कल्प है उसमें अच्छे से इसे लगाएं। सबसे पहले स्कल्प में अच्छे से मसाज कर लीजिए और उसके बाद इसे हेयर लेंथ में लगाएं और उसके बाद फॉलोड बाय योर टिप्स ऑफ योर हेयर। तो इस तरीके से लगा के आप चाहे तो इसे 2 घंटे 3 घंटे या जब तक चाहे ओवरनाइट, आई प्रेफर कि मत ही रखिए। आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज वीडियो और ये अनियन हेयर ऑयल आपके थोड़े से पैसे बचाने में काम आया होगा। बहुत ही सस्ता सुंदर टिकाऊ है, 50 रुपए में बन जाएगा बिल्कुल घर पे। सो इफ यू लाइक टुडेज वीडियो देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके बताना। आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।